आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज 342 पेज नंबर पर आपको इश्यू ऑफ शेयर्स का वैरायटी दिया गया है। ये वैरायटी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें आपको पैसा रिफंड भी देना है, आपको पैसा अगले वाले प्रोसेस से एडजस्ट भी करना है जिसे हम प्रो रेटा अलॉटमेंट कहते हैं, एंड इसके अंदर आपका प्रीमियम भी आपको एडजस्ट करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वैरायटी है लेकिन बहुत इजी है। इजी इसलिए क्योंकि आप मेरे साथ सीख रहे हो तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा और मैं ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है। सुचेता कंपनी लिमिटेड इश्यू 20 लाख रुपीज न्यू कैपिटल डिवाइडेड इंटू 100 रुपीज इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर पेबल एज 10 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 10 रुपीज प्रीमियम एंड 50 रुपीज ऑन फाइनल कॉल एंड 10 रुपीज प्रीमियम। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया गया है 20 लाख, सिंपल, और इस शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज। तो कैनवी से हमने 20,000 शेयर इशू करने हैं, हमने कितने शेयर इशू करने हैं, 20,000 शेयर्स को इशू करना है, ठीक है। अब ये इशू करने के लिए हमारे पास हमारी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, हमारी फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज, और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला प्रीमियम वैल्यू है 20 रुपीज। तो कैनवी से हमारी मार्केट प्राइस हो जाएगी 120 रुपीज। यस सर। अब हमें क्वेश्चन में एप्लीकेशन पर कितना बोल रहा है, तो जैसा आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको पता चलेगा आपको 10 रुपीज एप्लीकेशन पर बोलेगा, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट पर आपको कितना बोल रहा है, तो क्वेश्चन रीड करने पर आपको पता चलेगा 40 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 10 रुपीज आपका प्रीमियम वैल्यू है। उसके बाद फाइनल कॉल में आपको कितना बोलता है, तो फाइनल कॉल में 50 रुपीज एंड 10 रुपीज आपका प्रीमियम। कोई दिक्कत? नाउ द इश्यू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 26,000 इक्विटी शेयर्स, यानी हमें टोटल 26,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए। कितने शेयर्स के लिए? 26,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। लेकिन सर हमने तो इशू खाली 20,000 शेयर ही किया था। यस, तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, द एप्लीकेशन ऑन 2000 शेयर वाज सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट एंड द एप्लीकेशन वाज रिफंडेड। उन्होंने क्या कहा कि हम इस 26,000 लोगों में से 2000 लोगों को रिग्रेट लेटर भेज रहे। रिग्रेट लेटर का मतलब होता है कि धन्यवाद, आपने हमारी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया लेकिन ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन वी आर नॉट एबल टू गिव यू अ शेयर, वी आर नॉट एबल टू अलॉट यू द शेयर, सो योर एप्लीकेशन मनी हैज बीन रिफंडेड अलॉन्ग विथ, यानी हम 2000 लोगों को उनका एप्लीकेशन का 10 रुपए लौटा रहे। तो कैनवी से हमने उनको 20,000 रुपए लौटा दिया, 2000 शेयर एप्लीकेशन पे 10 रुपए लिया था तो 20,000 हो गया। तो सर बाकी के 24,000 लोगों का क्या हो रहा है, तो इन 24,000 लोगों को हम बोल रहे हैं कि सर इन 24,000 में से हम 20,000 लोगों को शेयर देंगे, तो इनका पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा और बाकी का जो 4,000 दिख रहा है उसको हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। 26,000 2000 लोगों को घर भेज दिया, बाकी 24,000 बचा। उन 24,000 लोगों को बोला हम आपको सिर्फ 20,000 दे सकते हैं, बाकी का 4,000 रुपए का जो पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है हम उसको एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के समय। अंडरस्टूड? अब हम इसको करते हैं। रिमेनिंग एप्लीकेंट वर अलॉटेड द शेयर ऑन प्रोरेटा बेसिस, ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वेयर रिसीव्ड। सारी चीज, सारा अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से हो गया है। नाउ सबसे पहला रिसीव करो, सर क्या रिसीव करेंगे, एप्लीकेशन। तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर हाउ मच एप्लीकेशन वी रिसीव, 26,000 इंटू 10, एप्लीकेशन का 10 रुपया 26,000, तो कैन वी से 2,60,000। यस सर, वी कैन से कि आपने 2,60,000 रुपया रिसीव किया। लेकिन क्या ये 26,000 पूरा का पूरा हम कर यूज कर रहे हैं? नहीं सर, यहां पर आपने एडजस्टमेंट किया है। तो ऐसा करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हाउ मच अमाउंट, 2,60,000। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो सबसे पहले हमने इतने लोगों को क्या किया, रिफंड किया।
तो सर रिफंड कहां से जाएगा? सर रिफंड जाएगा बैंक अकाउंट के थ्रू। हाउ मच अमाउंट है हमारे पास? 20,000। कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद ये 2,20,000 शेयर इंटू 10 करो तो आपका 2,00,000 रुपया आता है। वो कहां पे आएगा? शेयर कैपिटल में। किधर जाएगा? शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सर कितना? 2,00,000 रुपीस। कोई दिक्कत? और ये जो 4,000 है उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है, तो 4,000 इंटू 10 तो 40,000। 40,000 रुपीस हम लोग को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हाउ मच? 40,000। देखो क्या डेबिट और क्रेडिट सेम हो रहा है? डेबिट और क्रेडिट क्या सेम हो रहा है सर? 2,00,000, 2,20,000, 2,60,000। यस सर, डेबिट और क्रेडिट अपना सेम हो रहा है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी। सिंपल किस तरीके से जा रहा है? सिंपल, एक ही एंट्री के अंदर मैंने सारी चीजें प्रिसाइज कर दी है। नाउ अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। सर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट की क्या एंट्री होगी बताओ? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हाउ मच? 20,000 शेयर्स इनटू 40 है ना, 40 जो 40 बोला है ना, तो कितना आएगा? 4 × 2 = 8। सिंपल 8,00,000। सर ये 10 रुपए किधर जाएगा? प्रीमियम बोला है ना बेटा, तो प्रीमियम का पैसा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। किधर जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। हाउ मच? 20,000 शेयर्स इनटू 10 रुपीज प्रीमियम, तो कितना आ गया? 2,00,000। तो टोटल अगर आप एग्रीगेट करो तो आपको टोटल अलॉटमेंट में कितना रिसीव करना है? 10,00,000। कोई दिक्कत? प्रीमियम का अलॉटमेंट इस तरीके से, शेयर कैपिटल का पैसा शेयर कैपिटल में डालो, प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम। सेग्रीगेशन करने के बाद आप क्या करोगे? पैसा रिसीव करो, रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कोई दिक्कत? बट सर आपने कहा 10,00,000 रुपया हमको अलॉटमेंट पर रिसीव करना है, जिसमें से हमने 40,000 ऑलरेडी रिसीव कर लिया है ना एप्लीकेशन के साथ ही, तो बचा हुआ 9,60,000 ही एडजस्ट करना है। समझ में आ रही बात? अलॉटमेंट में हमने क्या किया? 9,60,000। 10,00,000 लेना था, जिसमें हमने एप्लीकेशन में प्रो रेटा किया तो 40,000 एडजस्ट कर लिया, तो 10,00,000 में से 40 गया तो कितना बचेगा? 9,60,000। अब फाइनल कॉल की तरफ आता है, सेम एंट्री पास करेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दिक्कत? 20,000 शेयर्स इंटू 50, 20,000 शेयर्स इंटू 50, कैन वी से 10,00,000 रुपीज? यस सर। इसमें प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम का पैसा किधर जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। हाउ मच? 20,000 शेयर्स इंटू 10, सो 2,00,000 हो गया। दोनों का ऐड किया कितना गया? 12,00,000। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट नेक्स्ट। फाइनल कॉल रिसीव करने के बाद, फाइनल कॉल अभी रिसीव करने की टाइम आ गई, तो एंट्री क्या रहेगी? वही बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। हाउ मच? हाउ मच सर? 12,00,000 रुपीज। कोई दिक्कत इसमें अभी तक नहीं आएगी। सब में और कुछ बोला है क्या? नहीं। फाइनल कॉल रिसीव सब वहां पर ही हमारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सब में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको कहां पर ध्यान देना है? आपको सिर्फ यहां पर एंट्री नंबर 2 पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, जिसमें एप्लीकेशन मनी पूरा लिखा, ये हमारा रिफंड का अमाउंट है, ठीक है, यह हमारा ट्रांसफर का अमाउंट है, और यह हमारा प्रोरेटा। प्रोरेटा मतलब आने वाले पार्ट में हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से करोगे तो जो रिफंड है वो बैंक में जाएगा, ट्रांसफर वाला शेयर कैपिटल में जाएगा, एंड एडजस्ट करने वाला प्रोरेटा वाला हमारा नेक्स्ट स्टेप दैट इज अलॉटमेंट में चला जाने वाला है। डिफिकल्टी इसमें पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस?